गुरुवार रात करीब 2 बजे 70 के दशक की अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की बेटी पायल डिकी सिन्हा का निधन हो गया। साल 2017 से जुविनाइल डायबिटीज को झेल रही पायल डिकी सिन्हा की तबीयत लगातार खराब थी और बेटी के खराब स्वास्थ्य को लेकर 2018 में मौसमी चटर्जी इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उन्हें कोर्ट की ओर रुख करना पड़ा। बताया जाता है कि साल 2018 में पायल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और बेटी की खराब हालत मौसमी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। बताया जाता है कि पायल ज्यादातर बेहोशी की हालत में ही रहती थी और दूसरी तरफ पायल के पति डिकी सिन्हा के साथ मौसमी और उनके पति के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे थे। ये रिश्ते इस कदर बिगड़े कि डिकी ने पायल को मौसमी से मिलने तक नहीं दिया। बेटी पायल की बिगड़ती हालत देख मां मौसमी लगातार उससे मिलने के लिए तड़पती रही। मां मौसमी लगातार उनसे मिलने की कोशिश करती रही लेकिन दामाद डिकी ने पायल को मौसमी से मिलने की इजाजत नहीं दी। पूरी तरह से बेबस हो चुकी मौसमी चटर्जी और उनके पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दामाद पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मेरी बेटी की देखभाल ठीक तरीके से नहीं हो रही है। बता दें आपको, पायल की मेडिकल रिपोर्ट तक देखने के लिए मौसमी लगातार तड़पती रही। वो बार बार कह रही थी कि मैं सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल करना चाहती हूं, मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूं। बेटी के दर्दनाक निधन के बाद मौसमी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। करीबी सूत्रों ने बताया है कि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो इस मामले पर कुछ भी कहें, लेकिन हैरानी होगी आपको जानकर कि ये दर्द मौसमी चटर्जी बीते 1 साल से झेल रही हैं। 1 साल से बेटी को तड़पता देखकर वो भी तड़प रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।